हेलो दोस्तों, हमें से काफ़ी लोग को फ़िश टैंक घर पे रखना काफ़ी अच्छा लगता है एज़ अ हॉबीस्ट, या फिर हमें फ़िशेस को देखना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसके लिए हम फ़िश टैंक घर पे नया लेके आते हैं, उसमें डेकोरेशन करते हैं, उसमें पानी भर देते हैं और उसके बाद उसमें हम फ़िशेस को लाके छोड़ देते हैं। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि पानी जो है वो गंदा होना शुरू हो जाता है, मतलब वाइटिश हो जाता है, जिसके कारण जो है फ़िशेस भी मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए आज मैं एक बहुत ही अलग प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है माइक्रोलाइफ H2। यह एक्वेटिक रेमेडीज़ नाम के चेन्नई की एक कंपनी का प्रोडक्ट है और कहा जा रहा है कि इसमें बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरियाज है जो अपने फिश टैंक को साइकिल करने में काम आते हैं। इसके जो बॉटल है इसके ऊपर लिखा गया है माइक्रोलाइफ H2 लिक्विड बैक्टीरियल सस्पेंशन, मतलब इसमें सस्पेंडेड फॉर्म में बैक्टीरियाज है। जैसे आप इसको पानी में डाल देंगे तो वो बैक्टीरिया जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इन्हें कहा जाता है बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। और इसमें ये भी लिखा गया है फॉर क्विक एक्वेरियम मैच्योरेशन एंड अमोनिया एंड नाइट्राइट रिमूवल, मतलब ये ऐसा है कि ये पूरी नाइट्रोजन की जो साइकिल है वो फिश टैंक में बहुत जल्दी कंप्लीट कर देता है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है दूसरे साइड पर कि ये किस तरह से काम करता है और उसका डोसेस किस तरह से हमें देना है टैंक में। अब ये बात आपको कोई भी फिश स्टोर वाला नहीं बताएगा कि एक नए टैंक में टैंक साइकिलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब एक नाइट्रोजन साइकिल का कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आपका जो पानी है एक्वेरियम का वो सफ़ेद हो जाता है, तो उसको कहते हैं बैक्टीरियल ब्लूम या उसको कहते हैं बैक्टीरियल स्पाइक, मतलब आपकी टैंक जो है वो उसमें जो नाइट्रोजन साइकिल का साइकिल जो उसकी शुरुआत हो जाती है। जैसे ही हम फिशेस को इंट्रोड्यूस करते हैं एक नए फिश टैंक में तो वो टट्टी करना शुरू करते हैं और हम जो भी खाना डालते हैं फिशेस को उसमें से कुछ खाना जो है वो ग्रेवल के अंदर चला जाता है जिसे फिश खा नहीं पाते। तो फिश के टट्टी और वो जो अनईटन फूड जो है उससे फिश टैंक में अमोनिया बनना शुरू हो जाता है। अगर अमोनिया काफ़ी मात्रा में रहा तो उससे फिशेस की मौत हो जाती है। तो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज की ज़रूरत होती है और उन बैक्टीरियाज को हम कहते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरियाज। और नाइट्रेट जो है वो इस नाइट्रोजन साइकिल का लास्ट फॉर्म है जिसे हम पानी चेंज करते समय टैंक से निकाल देते हैं। कहा जाता है कि नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होने से पहले फिशेस को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन साइकिल को कंप्लीट होने में काफ़ी समय लग सकता है। इसके लिए लगभग 2 हफ्तों से लेकर 1 महीने तक का भी समय लग सकता है। तो इस टैंक साइकिलिंग को फास्ट करने के लिए ये प्रोडक्ट है माइक्रोलाइफ H2। ऐसा इनका दावा है कि इससे जो है टैंक 5 दिन में साइकिलिंग हो जाता है। इसके बॉटल पे इसका डोसेज लिखा गया है न्यू टैंक क्विक मैच्योरेशन ट्रीट फॉर 5 डेज इन सक्सेशन, और यहाँ पे लिखा गया है 10 ml पर 100 लीटर ऑफ वाटर। अब मेरा फिश टैंक जो है वो 15 गैलन का है, मतलब लगभग 60 लीटर का फिश टैंक है, तो इसमें मुझे 6 ml डालना ज़रूरी है। तो इसको मैंने क्या किया कि इसको मैंने इसके फिश टैंक के अंदर डालना शुरू कर दिया 5 दिन के लिए। मैं हर रोज़ इसको 6 ml डालता था टैंक के अंदर। और फिल्टर को चालू रखना ज़रूरी है, आपका फिल्टर जो है वो हमेशा 24 घंटे 5 दिन तक चालू रहना चाहिए। और जो एक्वेरियम की लाइट्स है वो भी लगभग 5 या 6 घंटे तक दिन में चालू होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें बैक्टीरिया जो है वो खुली आँखों से दिखते नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए मैंने इनकी पूरी गाइडलाइन जो है वो फॉलो की, इनके इंस्ट्रक्शन फॉलो किए। 5 दिन तक मैंने माइक्रोलाइफ H2 से अपने टैंक को साइकिलिंग किया और 6ठे दिन पे मैंने सिर्फ 2 गोल्डफिश लाके मेरे टैंक में छोड़ दिए। ये भले ही कम लग सकते हैं लेकिन एक नए टैंक में बहुत ज़्यादा फिशेज नहीं डालने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपके टैंक में लोड बढ़ जाएगा, अमोनिया भी काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में बन जाएगा, जिससे फिर नाइट्रोजन साइकिल को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और उसके बाद ऐसा होता है कि हमारी फिशेज जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं और जिससे हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो क्या ये प्रोडक्ट लेना चाहिए? ये बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट यूज़ किए काफ़ी समय हो गया है और फिशेज को मैंने इंट्रोड्यूस किया करीबन 1 हफ्ता हो गया है और अब देख सकते हैं मेरी फिशेज काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी अच्छे से रह रहे। लेकिन मैं एक बात का आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जैसे इससे माइक्रोलाइफ H2 से आप 5 दिन तक जैसे आप टैंक साइकिल करके उसके बाद कम से कम 30% आप पानी को चेंज कर दीजिए फिशेस को इंट्रोड्यूस करने से पहले, ताकि कोई भी अगर अमोनिया या जो भी नाइट्राइट आपके टैंक में बना हो तो वो निकल जाए।
इस बॉटल में जो लिक्विड दिया गया है वो बिल्कुल पानी की तरह एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड है और उसको बहुत ही गंदी स्मेल मारती है। तो आपको इसको स्मेल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए उस तरह से इसको टैंक के अंदर डालिए। और फिशेज़ को इंट्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पर लिखा गया है कि आप हफ्ते में एक बार जब भी पानी चेंज करोगे तो इसको उसी मात्रा में टैंक में डाला कीजिए, ताकि बैक्टीरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में आपके टैंक में बने और आपके फिशेज जो है वो हेल्दी रहे। गाइस आप बिल्कुल एक ट्राई दे सकते हैं इस प्रोडक्ट को, क्योंकि ये जो एक जानी मानी कंपनी है चेन्नई की जो मिडिल ईस्ट और यूरोप जैसे मार्केट्स में इसको एक्सपोर्ट करते हैं। और इस प्रोडक्ट के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ है अमेज़न पर और बाकी सारे ऑनलाइन वेबसाइट्स पर। इसे मैंने अमेज़न से खरीदा था करीबन 269 रुपीज़ में। और इस प्रोडक्ट को परचेस करने की लिंक और इसके वेबसाइट की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।